तो बहुत पहले से आते हो, बचपन से? देखिए विरार में रहने आया हुआ हर एक आदमी जो जब से आता है तब से वो जुदानी टेम्पल में आता है कि ये जो माता जी है ये यहाँ के स्थान दैवत है और ये बहुत जागरूक दैवत कहा जाता है। मैं मेरे परिवार के हर एक आदमी, मेरे दोस्त यार, हर आदमी जुदानी माता के दर्शन से बहुत पहले से आते हैं। 14 अक्टूबर 1989 में आंदोलन का बिगुल ठोक देना, 1,00,000 लोग आप लोगों के साथ। हितेंद्र ठाकुर ने पहली बार मंच साझा किया था कोई, उसके बाद 1990 का चुनाव आता है, कांग्रेस के टिकट पर हितेंद्र ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। आप 95 का चुनाव आप लोगों के लिए इतना चुनौतीपूर्ण था कि चुनाव के प्रोस्पोंड किए गए, डेट हटाए गए, बढ़ाए गए बार बार, और कई बार तो ये स्थितियां आ गई कि अखबार वाले आपके पक्ष में नहीं थे, पूरी तरह मीडिया आपके खिलाफ, बड़े बड़े वाक्यों में दर्द, दहशत और गुंडा शब्द का प्रयोग। सब पद हो जाने के बाद भी आपका एक कार्यकर्ता है बहुत पुराना, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से बहुत बार विवादास्पद हो जाता है। हम गणेश उत्सव के इसी गणपति के दरमियान बैठे थे, उस दौरान उस कार्यकर्ता ने रुमाल निकाला, अपने माथे को और अपने आंखों को पोछा और एक लाइन बोली, कहा कि नाना MLA होते तो बात कुछ और। आप क्यों नहीं सोचते इस पर? नाना अभी आपने कहा आप पद छोड़, आपको पद में बैठे रहना उचित नहीं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार एक पद पर है और दूसरा कार्यकर्ता देख रहा है, इंतजार कर रहा है अपनी प्रतिभा के साथ, अपनी हुनर के साथ, अपने जज्बे के साथ इंतजार कर रहा है कि मैं आज दरी बिछा रहा हूँ, आज मैं कुर्सी लगा रहा हूँ, आज मैं भाषण दे रहा हूँ, आज मैं पब्लिक इकट्ठा कर रहा हूँ, आज मैं गली में भाग रहा हूँ, आज मैं वोट इकट्ठा कर रहा हूँ, आज मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, आज मैं समय व्यय कर रहा हूँ, कल मुझे उस पद के लिए आगे आने का अवसर मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? क्या लगता है ऐसे ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे जो लगातार एक ही पद पर रहते हैं?